नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 की शुरुआत से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना ने आईपीएल से हटने का फैसला कर लिया है। शुरुआत में खबरें आई कि रैना ने निजी कारणों से ऐसा किया है। सुरेश रैना ने भी लौटने का कारण पत्नी और दो बच्चों को बताया था। उनके फूफा के डकैतों द्वारा हत्या को भी इसका कारण बताया गया था, लेकिन अब इससे पर्दा उठ गया है कि क्यों रैना ने बीच में ही टीम को छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए थे। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि रैना को इस सीजन का एक भी रुपया नहीं मिलेगा। जी हां, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने इस मामले को अब अलग ही रंग दे दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुरेश रैना होटल में उन्हें दिए गए अपने कमरे को लेकर काफी नाराज थे और वो ठीक एमएस धोनी की तरह ही कमरा चाहते थे जिसमें बालकनी हो। इस मामले में सीएसके के मालिक और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने क्रिकेटरों की तुलना नखरे दिखाने वाली हीरोइनों से की है। एन श्रीनिवासन ने कहा कि क्रिकेटर का व्यवहार पुराने दिनों के मिजाज वाले अभिनेताओं की तरह रहा है, कभी कभी कामयाबी आपके सिर में घुस जाती है। इन सब के बीच श्रीनिवासन ने एक और बात कही जिसको लेकर अब और भी चर्चा शुरू हो गई है। श्रीनिवासन ने कहा, सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है और निश्चित ही रैना ये महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। निश्चित ही वो पूरा पैसा गंवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, रैना को एक सीजन के करीब 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर रैना 19 सितंबर से पहले टीम के साथ नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें पूरे 11 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें, रैना ने 15 अगस्त 2020 को धोनी के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। अब देखने वाली बात होगी क्या सीजन की शुरुआत से पहले रैना वापस सीएसके के साथ जुड़ते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।